पानी की किल्लत से शहरवासी परेशान, नहीं मिल रहा मड़ीखेड़ा पाइपलाइन का लाभ। शिवपुरी में पानी की किल्लत इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोग पानी के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। पानी के पीछे लड़ाइयां भी होने लगी हैं। लोग दिन भर पानी की जुगत में कट्टी लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। जानकारी के अनुसार पूरे शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। करोड़ों रुपये खर्च कर स्वीकृत हुई मड़ीखेड़ा परियोजना से पानी लाने का प्रयास भी लोगों को लाभ नहीं पहुँचा पा रहा है। लोग आज भी पानी की कट्टी लिए दर दर भटकते देखे जा रहे हैं। पानी के चक्कर में लोगों की दिनचर्या भी बिगड़ गई है। पानी के लिए लड़ाई झगड़े भी होने लगे हैं। कोई साइकिल से तो कोई हाथ ठेला व ऑटो से पानी की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन शासन व प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिवपुरी में पानी की भयावह स्थिति बन चुकी है। वहीं पानी के लिए बच्चे भी भटक रहे हैं। नेता मंत्री तक जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं चांद पाटा की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। आखिर लोग अपनी फरियाद लेकर जाएं तो जाए कहां, कोई सुनने वाला नहीं। तो पानी भरने आ रहा है, क्यों आना पड़ रहा है? आप क्या कह रहे हैं, पानी लेने कहाँ जाए? आज 7 दिन हो गए पानी के लिए, डीजल से महंगा हो रहा है पानी मेरा। तो फिर तो डीजल जो पेट पानी के लिए भी डलाना पड़ रहा है, डलाना पड़ेगा, क्या कह रहा है? अच्छा, तो आपका कहना है, आपका कहना है शिवपुरी में पानी डीजल से महंगा है? डीजल पानी से महंगा पड़ा है। जगदीश बाथम, आपके यहाँ बोर लगाया, कैसी क्या चल पल रहती है दिन और रात? दिन रात तो खूब पानी चल रहा है, खूब बहुत भयंकर पानी भर रहे हैं। 6-7 वार्ड नंबर के मैम वो आते हैं, सबसे पानी भरते हैं और आपस में लड़ते भी हैं। और कोई 2 कट्टी लेके आता है, कोई 15 कट्टी लेके आता है, तो 2 कट्टी वाला आपस में लड़ बैठती है 15 कट्टी के चक्कर में। जैसे खूब पानी दे रहे हैं हम लोग, और रात दिन मतलब ये भी नहीं है, जब पूरी सिटी में मतलब पानी की बहुत समस्या खराब है। और यहाँ पे आके कोई भी अधिकारी हो या कछु भी हो, आके खूब प्रेम से देख सकते हैं। मैं 4:30-5 बजे यहाँ आके दुकान खोल लेता हूँ, और भैया बहुत कोशिश करता हूँ बचाने की। मुलाकात दिन से जोड़ के आज तो पट्टियाँ भी चली 5 बजे करी, आप इनमें मारा पीटी है भाई, तो बड़ी मुश्किल से समझा समझी को मैंने बहुता है। पानी की क्या समस्या आ रही है? भरी दोपहर भी पानी भरने आया साहब, हमारे नल नहीं आ रहे साहब जी, मरीज के हवाले 15 दिन से नहीं आ रहे साहब, इसलिए साहब हम गर्मियों में अपना काम छोड़कर पानी भरने आते हैं। कनेक्शन लिया है मड़ीखेड़ा का? और ये कनेक्शन लिया है साहब, फिर भी नहीं आ रहे? फिर भी नहीं आ रहे। कितने दिनों से नहीं? 15 दिन से। नगर पालिका में शिकायत नहीं थी? नगर पालिका वो जाते हैं साहब, जो कहते हैं लैंड फूट गई है, पूरा आए दिन लैंड ही फूटती रहती है। लैंड इतनी बेकार डली है। सहीसपुरा। क्या नाम है आपका? अनूप साके। क्या नाम है आपका? मेरा चंदन घटी। कहाँ रहते हो? संजय कॉलोनी। क्या समस्या आ रही है? नल की इतनी परेशानी है कि 8 दिन हो गए, 8 दिन में नल नहीं आए। आप धंधा करें कि पानी भरें, आप बताइए भाई साहब। और अपने यहाँ की नगर पालिका है, कुछ सुविधा नहीं देने चाहती। और ये नेतागिरी भी है, जो नेतागिरी भी सीपरी की इतनी बेकार है कि लैंड डरी है, लैंड इतनी बेकार है, क्या मतलब है? आदमी जब भी देखो फूटती रहती है, नल नहीं आते। अपन पैसे भर रहे हैं, महीना चल रहा है, महीने में बिल आता है, पैसे पूरे भर दें अपन। कितना बिल आता है महीने का? महीने के वही 100 रुपये बिल आता है। परेशानी इतनी है, धंधा करें कि पानी भरें, आप बताइए। रात रात पर पानी परेशानी, पीने को नहाने को गर्मी में इतना पानी लगता है, जब देखो लैन फूट जाती है। ऐसी कैसी लैन बनवाई है? आप कहाँ कहाँ से पानी भरने आते हैं? मैं कम सम्मेलन से भरता हूँ, कहूँ बनैया कुंडी, कहूँ बांगड़े, जहाँ ऑटो ले जाना पड़ती है, कभी नहीं होता, कभी क्या कर दें, टैंकर आ रहा है इतना महंगा। आपका कहना है पेट्रोल से महंगा है, सिपरी में पानी? हाँ, पानी इतना महंगा है भाई साहब, पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है हम हैं। जसोधरा जी भी इतनी सोचने चाहिए जसोधरा के लिए, अपने के लिए, कि अपने लिए सुविधा इतनी हो कि आदमी लोग पानी के लिए नहीं फिरे, और फिर भी जनता इतनी मूर्ख है साली, की जनता इतनी फिरने पड़ रही है। सर, शहर में पानी की किल्लत बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, 7-8 दिनों से नल भी नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं? मड़ी की देखो, पिछले 6 दिनों से मड़ीखेड़ा की लाइन लीकेज हो रही है, बार-बार लीकेज हो रही है, तो उसको लेबर ने ठीक करा दिया है। हाँ, ठीक करा के अभी 12:30 बजे मड़ीखेड़ा से पंप चालू करा दिए, तो शाम को लगभग 5:30-6 बजे तक शहर में पानी आ रहा है। सर, पहले जो चांद पाटे की लाइन चालू रहती थी, वो भी बंद कर दी गई, उसका कारण क्या रहा? नहीं, चांद पाटे से तो अभी सप्लाई चालू है सर, बाल कहीं भी नहीं आ रहा उसको। बाल गंगा के पास बता रहा सर, बाल वगैरह खराब पड़ा है बहुत दिन से। नहीं, बाल गंगा तो बस जो कल था वो खराब, सोचा उसको कल ठीक करा दिया, हो गया, ठीक हो गया।